कल हमने इसके MCQ और ट्रू फॉल्स कंप्लीट किए थे आपके चैप्टर नंबर 5 के। आज हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स है द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स। तो इसमें क्या आएगा? कंपाउंड्स। नंबर टू, ए मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस। नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड फॉर फार्मर्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विनोइंग। नंबर फोर, ए लेयर ऑफ कॉटन और अ लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ फिल्टर। फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट सी वाटर। एंड नंबर सिक्स, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ए सब्सटेंस सॉल्युबल इन इट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके फिल्म ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। एक बार इनको मैं वैसे ट्रांसलेट समझा देता हूँ। द डिफरेंट सब्सटेंसेज, जो अलग अलग सब्सटेंसेज के रूप में प्रेजेंट होता है मिक्सर्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। अ मिक्सर ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज इन एन एग्जाम्पल, एक इसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सर का है। एंड जो हम फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, जो सेपरेट करते हैं हस्क और ग्रेन्स को, यानी उसको जैसे ग्रेन का जो पार्ट होता है उनको अलग अलग करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? विनोइंग। एंड ए लेयर ऑफ कॉटन और अ लेयर ऑफ रिवर बेड सैंड कैन आल्सो बी यूज एज अ, यानी कि जो कॉटन लेयर होती है, कॉटन ऑफ लेयर्स फॉर्म्स होती है, जिसके अंदर हम सैंड्स वगैरह के इन बेड पार्टिसल्स को, जो मैंने बताया था, हम अलग अलग छान लेते हैं। तो किसके कौन काय का क्या करते हैं, उसको छानने से क्या मतलब होता है? फिल्टर करते हैं। जैसे आजकल हमारे यहाँ पर RO लगा होता है, ऐसे आज से कुछ समय पहले किससे करते थे? एक कॉटन क्लॉथ को पानी डालते थे, तो उसके अंदर जितने भी बेड पार्टिसल्स होते थे वो ऊपर ही रह जाते थे, और जो वाटर होता था क्लीन वाटर, वो हमारे वाटर जो भी यूटेंसिल होता था उसके अंदर आ जाता था। फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन, यानी बहुत अधिक मात्रा में नमक किस कौन से वाटर के अंदर, कहाँ पर होता है? सी वाटर, यानी कि समुद्र के पानी में। एंड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ए सब्सटेंस सॉल्युबल इन इट इज कॉल्ड, यानी होमोजीनियस मिक्सचर जो फॉर्म होती है वाटर के अंदर, उसके अंदर जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखो, अब आज हम पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो कौन कौन से हो जाएंगे? आयरन प्योर सब्सटेंस, कॉपर प्योर सब्सटेंस एंड गोल्ड प्योर सब्सटेंस। इसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर, ठीक है। इसके बाद विच प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि किस प्रोसेस के द्वारा, विच प्रोसेस इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने बताया था, इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है या किस में होता है? तो किसके अंदर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर के अंदर। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इससे बेस क्वेश्चन हमने इसकी पिछली एक एक्सरसाइज में भी इसको सॉल्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्टिलेशन। तो देखो, ए मेथड बाय विच लिक्विड्स आर प्योरीफाइड, जो लिक्विड्स फॉर्म्स होती है उसको जो प्योरीफाई किया जाता है यूजिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन प्रोसेस को यूज करके। इवेपोरेशन मतलब जो जैसे मैंने अभी आपको सॉल्ट वाटर की फॉर्म में बताया था। एंड कंडेंसेशन बाय बोथ इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एक्यूज सॉल्यूशन। एक्यूज सॉल्यूशंस के आंसर को बताने से पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं, एक्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचोगे तो आप केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशंस को रीड करोगे, तो उनके अंदर जो सारी इक्वेशंस होती हैं उनकी
थ्री प्रॉपर फॉर्म्स होती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और उसके साथ साथ एक इक्वेशन होती है सॉडिक इक्वेशन, जो सॉलिड लिक्विड और गैस होती है उसके साथ एक होती है एक्यूज सॉल्यूशंस फॉर्म, जिसे हम उसके इक्वेशन के नीचे AQ लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म नहीं होगी और उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, तो इसको आप ध्यान से समझ लो। सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन करते हैं इन वाटर, वाटर के अंदर इन इज नोन एज इट्स, उसको क्या कहा जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्यूज सॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। और भी जो इसकी थ्री फॉर्म्स होती हैं उनमें इक्वेशंस के फॉर्म में, ये आपको नोट नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे L लिखा होगा, S लिखा होगा और G लिखा होगा, और एक इसके साथ जो अब हम पढ़ रहे हैं AQ लिखा होगा, ये हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा। जैसे वाटर की इक्वेशन लिख रही होगी तो उसके नीचे L होगा, आइस होगी तो उसके नीचे S होगा, ठीक है। वेपर प्रोसेस की इक्वेशन होगी तो उसके अंदर G होगा, और कोई ऐसी इक्वेशन होगी जो सब्सटेंस से मिलकर वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन बन रहा होगा तो वहाँ क्या लिखा होगा, AQ लिखा हुआ होगा। इसके बाद ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट होते हैं। और इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट का, व्हाट आर कंपाउंड्स, सम सब्सटेंसेस आर मॉलिक्यूल्स दैट हैव एटम्स ऑफ टू और मोर, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेज या मॉलिक्यूल्स जो और उनके साथ जो एटम्स हैं दो या दो से ज़्यादा होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के रूप में, उन्हीं सच सब्सटेंसेज आर नोन एज, उन सब सब्सटेंसेज की फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है। इसके बाद इसका शॉर्ट वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिक्सचर, तो लिखो व्हेन द मॉलिक्यूल्स of elements or compounds are present together it is called a mixture, answer number 3। next question है why do we need to separate substances, रिकॉर्डिंग रोकना दो मिनट, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक करते हैं, पहले 2 तक देखो आप, आज आपके फिल इन द ब्लैंक्स वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के 2 क्वेश्चंस हो गए, कल इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को आगे देखेंगे, यहाँ से आगे के क्वेश्चंस को पहले यहाँ तक बताओ, इन क्वेश्चंस में और फिल इन द ब्लैंक्स में कोई प्रॉब्लम है,